है मेरे बचपन की, घर आया मेरा पर छज्जे ऊपर लड़के नाचे, लड़का है दीवाना ये चकदाना। छज्जे ऊपर बल बल जाम कागा पर जो पीकर संदेशा लाए, बचपन याद आए। आइए दोस्तों बातें करते हैं नरगिस दत्त के सामान्य जीवन परिचय और उन पर फिल्माए गए सुपरहिट गानों की। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। इनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। इनका जन्म का नाम फातिमा राशिद था। इनके पिता हिंदू और माता मुस्लिम थी। इनकी माता जद्दनबाई शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। इन्होंने मात्र 6 वर्ष की उम्र में 1935 की फिल्म तलाशे हक में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया। ये इनकी पहली फिल्म थी। मुख्य नायिका के तौर पर इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में 1943 की फिल्म तकदीर में मोतीलाल के साथ अभिनय किया। फिल्म को महबूब खान ने बनाया था। इसके बाद 1945 में इन्होंने अशोक कुमार के साथ फिल्म हुमायूं में काम किया। 1948 में दिलीप कुमार के साथ आई इनकी फिल्म मेला, काफी चर्चित फिल्म रही थी। काहे छलके नैनों की गगरी, काहे बरसे जल। इस दौरान ये ज़्यादातर फिल्में दिलीप कुमार के साथ कर रही थी। 1948 में फिल्म आग में राज कपूर के साथ काम किया। 1949 की फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार और राज कपूर साहब दोनों के साथ काम किया। 1950 में दिलीप कुमार साहब के साथ आई इनकी फिल्म जोगन और बाबुल, दोनों हिट रही। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। 1949 की फिल्म बरसात हिट होने के बाद राज कपूर का ध्यान इनकी तरफ गया। उसके बाद राज कपूर ने इनके साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें 1951 की आवारा, 1955 की श्री 420, 1956 की जागते रहो और चोरी चोरी ने। कपूर के साथ इनके प्यार के चर्चे खूब होते थे। दोनों का ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बीतता था। इनके प्रशंसकों को लगता था कि दोनों शादी करेंगे। कहाँ खो गए थे राज? राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस दत्त के अनुसार उन्होंने इनसे भी शादी करने का वादा किया था। तो क्या तुम्हारा मतलब है, तुम और मैं? राज कपूर अपने पिता और पत्नी से बगावत नहीं कर सकते थे। 1956 की फिल्म जागते रहो के बाद नरगिस दत्त ने आरके स्टूडियो में कभी कदम न रखने की कसम खाई थी और फिल्म मदर इंडिया साइन कर ली। राज कपूर पत्रकारों से यही कहते रहे कि मदर इंडिया फिल्म साइन करके नरगिस दत्त ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, जबकि नरगिस दत्त ने पत्रकारों को बताया था कि राज कपूर न तो उनसे शादी कर पा रहे थे और न इनकार कर पा रहे थे। मुड़ मुड़ के न देख मेरी जान, मुड़ मुड़ के न देख, अब हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान फसल जलाने के एक दृश्य में नरगिस दत्त के चारों ओर आग लग गई थी। सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर इनको आग से बचाया। इस दुर्घटना ने इन दोनों को करीब ला दिया। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और 1958 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने फिल्में छोड़कर बच्चों के लालन पालन की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। इन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 1 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। डरना मोहब्बत कर ले। 1958 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यह प्रथम अभिनेत्री थी। इनको सफेद साड़ियां पसंद थी, इसलिए इनको लेडी इन व्हाइट के नाम से भी जाना जाता था। पूछो तो यही है उसका पता, चंचल नैना और शोख वदा। 3 मई 1981 को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में कैंसर के कारण इनका निधन हो गया था। दुनिया है 4 दिन की, जी ले चाहे मर ले, हो
करना मोहब्बत कर। इनकी याद में इनके पति सुनील दत्त द्वारा मुंबई में सन 1982 में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। बालम तेरा तुझको पुकारे याद आने वाले, ये चुप सी क्यों लगी है अजी कुछ तो बोलिए, मिलते रहा है तुझको दुआएं गम का फसाना, एक बेवफा से प्यार किया उसे नजर को चार किया, हाय रहने